जब ये आवाज बिखरनी नहीं चाहिए। हम लोग इस कार्यक्रम को इसलिए करवाते हैं कि बिखराव जो है ना वो एक जगह इकट्ठा हो जाए और हम सभी लोग भक्ति के माध्यम से संगठित होके इस धन्यधरा पर, भारत की धरती पर संगठित होके पूरे विश्व के सामने एक मिसाल बने। हमारे संतों ने भी यही संदेश दिया और हमारे देवताओं ने भी यही संदेश दिया कि बिखराव नहीं होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। और संगठित रूप से सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, ओ खम्मा खम्मा हो मारा, पीछे आवाज नहीं आ रही है, खम्मा खम्मा हो मारा, हो खम्मा खम्मा हो मारा, हो खम्मा खम्मा हो मारा, थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ हो, बाबा गुजी रात हो, अजी माल जी रात हो गेरा, खम्मा खम्मा हो मारा, रूही जी रात हो गेरा, थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ हो, बाबा गुजी रात हो, हो खम्मा खम्मा हो मारा, हो खम्मा खम्मा हो मारा, ओ खम्मा खम्मा हो मारा, ओ खम्मा खम्मा हो मारा, ओ थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ हो, दोनों हाथ उठाके, थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ हो, बाबा गुजी रात हो, अजी माल जी रात हो मेरा, खम्मा खम्मा हो मारा, रूही जी रात दिन अपना राजस्थानी भाई देश में कोई भी कोना में मिले आपस में तो आप आपस में एक दूसरा रामा सामा कर, लेकिन भादो महीनों जद आ जावे तो आदमी रामा सामा छोड़ एक दूसरो भाई मिले तो कहीं बोले क्या बोलते हैं, जय बाबा री साहब। तो मैं चाहूं कि इतनी ज्यादा संख्या में एसपी साहब ये नागौर की धरती पे मैं पिछले 5-6 वर्षों से आ रहा हूं, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इतना बड़ा हुजूम हो सकता है क्योंकि वो सार्वजनिक है, लेकिन एक परिवार के बुलावे पे इतने सारे लोग आए तो ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान के साथ में बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस परिवार का आम लोगों से कितना प्रेम है वो देखने के लिए मिल रहा है। मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, बहुत आनंद का विषय है, दोनों हाथ उठा के कृपाराम जी और उनके पूरे परिवार, श्री सुखराम जी, रामदीन जी, सत्यनारायण जी, राम सिंह जी, समस्त सोलंकी परिवार का तालियों से आप अभिवादन करें। धन्यवाद। अरे पाड़ा पाड़ा चलो बाबू भली करेला, पाड़ा पाड़ा ओ पाड़ा पाड़ा चलो बाबू भली करेला, राम रुणी जे बाड़ो बाबू भली करेला, राम रुणी
शू जय बाबारी करनी चाहो, मैं बोलू ना आप हमारे साथ में सभी लोग जय बाबारी बोले। बाबा रामदेव जी जो पैदल जावे ना वे 500 किलोमीटर 400 300 600 बहुत दूर दूर सू बहुत तेज गर्मी में दुख सुख री चिंता ना करते हुए मन में बहुत बड़ी श्रद्धा मन में बहुत बड़ी आस लिया बाबा रामदेव जी दरबार में पहुंचे तो चिंता रो विषय नहीं। बोले अरे दूर थके लो थारो रामो धनी करेला जय बाबारी, सभी लोग बोलेंगे दूर थके लो थारो रामो धनी करेला। कई लोगों की आवाज नहीं आई, अधिकतर लोगों की आवाज नहीं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मन को खोल दे और मन को खोलते हुए इस पूरे परिसर को बाबा रामदेव जी के जयकारा से गुंजायमान कर दे। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे दूर थके लो थारो रामो धनी करेला, दूर थके लो थारो रामो धनी करेला, दूर थके लो थारो रामो धनी करेला, राम रुणी चे बाळो बाबा भली करेला, राम रुणी चे बाळो बाबा भली करेला, पाड़ा पाड़ा अरे पाड़ा पाड़ा चलो बाबा भली करेला, पाड़ा पाड़ा चलो बाबा भली करेला, राम रुणी चे बाळो बाबा भली करेला, राम रुणी चे बाळो बाबा भली करेला। अब माता बहनों का नंबर है, भरदेसी भंडार कदेनी कमी करेला, राम रुणी चे बाळो बाबो भली करेला, राम रुणी चे बाळो बाबो भली करेला। तो जहां तक मुझे जानकारी है कृपा राम जी तीन बार बाबा रामदेव जी रे दरबार पैदल जार धोक लगाए हुए। मैं दो पंक्तियां श्री कृपाराम जी वास्ते प्रस्तुत कर रही हूँ, बहुत सुंदर शायद नागौर में पहली बार मैं चार पंक्तियां आप लोगों ने सुना रही हूँ। तो अरे कोसा चाले पाड़ा पाड़ा माथे तपे तावड़ियो, कोसा चाले पाड़ा पाड़ा माथे तपे तावड़ियो, भूख तिरसरी फिकर नहीं औलाद राखसी सांवरियो, भूख तिरसरी फिक्र नहीं औलाद राखसी।